हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनका यूज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, एंड ये ऐसे फ्रेजेस होंगे जिससे हम हेल्प यानी कि मदद मांगते हैं। सो हम प्रे करते हैं कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाएं कि जहाँ पे आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, बट आप इन जनरल यूजुअली अपने डे टू डे लाइफ कम्युनिकेशन में और कन्वर्जेशन में इनका यूजेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्प, यहाँ पर आप देख रहे हो हेल्प लिखकर एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाया गया है। एक्सक्लेमेटरी या मार्क यानी कि आपका एक सडन फीलिंग या इमोशन दर्शाता है। सो हिंदी में हम बोलते हैं मदद कीजिए या मदद करो, तो उसके लिए हम इंग्लिश में सिर्फ हमें चिल्लाना होता है, बोलना होता है हेल्प यानी कि मदद कीजिए। प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस। सो कहीं पर आप हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पर आप एम्बुलेंस बुलाने के लिए लोगों को पुकार रहे हो। वैसे ही प्लीज़ कॉल फायर ब्रिगेड, जैसे यहाँ दिख रहे हो यहाँ आग लगी है, तो वहाँ पर आपको क्या चिल्लाना है, प्लीज़ कॉल फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड यानी कि आग बुझाने वाली गाड़ी। प्लीज़ कॉल द कॉप और पुलिस। कॉप और पुलिस यानी कि पुलिस। कॉल द पुलिस यानी कि पुलिस को बुलाओ। कॉल द डॉक्टर यानी कि डॉक्टर को बुलाओ। कुछ इस तरीके के फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं किसी को बुलाने के लिए। कॉल द लॉयर, कॉल द ओनर, कॉल द मैन। यहाँ पर सिर्फ हमें उस नाउन को, प्रॉपर नाउन को चेंज करते रहना है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम किसी को भी बुला सकते हैं। आई एम इन पेन, आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, या कहीं पर आप गिर गए हो, आपको हाथ पैर में चोट आ गई है और कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप कह सकते हो आई एम इन पेन यानी कि मुझे दर्द हो रहा है। अब एम यहाँ पर लगा है तो है आएगा, अगर वॉज होता तो वॉज दर्शाता है पास्ट टेंस को, तो वो हो जाएगा मुझे दर्द हो रहा था। आई एम इन पेन। समवन इन इज इन डेंजर, किसी को खतरा है, कहीं आप जा रहे हो पिकनिक वगैरह के लिए और आपको अचानक से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, या फिर आप अपने घर में बैठे हो और आपको किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मदद मांग रहा है वो इंसान, तो आप आश्चर्य में कह सकते हो समवन इज़ इन डेंजर, किसी को कोई खतरा है या कोई खतरे में है, ये सेंटेंस ये दर्शाता है। आई एम इन डेंजर, अब डेंजर यानी कि खतरा, आई यानी कि मैं, यानी कि मैं खतरे में हूँ। नेक्स्ट है वॉच आउट। वॉच आउट यानी कि देखो, वॉच यानी कि देखना, आउट यानी कि बाहर, तो वॉच आउट का अगर आप जनरल मीनिंग देखोगे तो होगा बाहर देखो, लेकिन आप सपोज़ कहीं जा रहे हो और कोई कुत्ता अचानक से आपके ऊपर भौंकने लगे, तो आप अपने साथी को बोलते हो वॉच आउट यानी कि आप प्रिकॉशंस रखिए, आप आसपास नज़र रखिए, सावधान रहिए, कुछ इस तरीके का मीनिंग होगा वॉच आउट का। तो ये थे कुछ कॉमन फ्रेजेस जिनको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो अपने इंग्लिश कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एंड सिंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीकिंग का, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ से आप जो भी सेंटेंसेस का, जो भी फ्रेजेस का सीखते हो, उनका प्रैक्टिस आप ज़रूर ही ज़रूर करें, तो ही आपकी कन्वर्जेशन स्ट्रांग होगी एंड इंग्लिश फ्लुएंट होगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको और कैसे और कौन से वीडियोस चाहिए जिससे आप इंग्लिश अच्छे से सीख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।